आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं चलिए आपको सुनाते हैं। पवन गोदारा जी हैं ओबीसी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। सबसे पहले तो राजस्थान की सरकार ने जो बजट दिया वो समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने वाला बजट है। 19 जो जिलों की घोषणा हुई, नए जिलों की घोषणा, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में जैसे बात करें, अनूपगढ़ की घोषणा हुई, हर जिले की घोषणा होने से एक अच्छा प्रशासन मिलेगा जनता को और जिला हेडक्वार्टर से जनता की दूरी कम होगी। तो राजस्थान की सरकार ने हर वर्ग की समस्याओं को समझा। सामाजिक सरोकार की योजनाएँ जो आई, चाहे पेंशन की बात करें या बिजली के बिल में कटौती की बात करें, तो तरह तरह की योजनाओं से राजस्थान की सरकार ने समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने का, जो महात्मा गांधी जी की कांग्रेस, जो महात्मा गांधी जी की सोच थी कि शासन ऐसा आए कि समाज अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, उसी सोच के अनुरूप काम किया। जो मंदिर पुष्कर जो परियोजना बन रही है पुष्कर तीर्थराज के लिए, तो उसके लिए मैं सबसे पहले धर्मेंद्र राठौड़ जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उनके माध्यम से जो आज वर्मा जी का एकमात्र आस्था का केंद्र, जो हम सब की आस्था का केंद्र है, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, तो अजमेर की बात करें तो वहाँ दरगाह भी वहीं पर है और तीर्थराज पुष्कर और वर्मा जी का मंदिर भी वहीं है। तो यह सर्किट बनने से एक तरह से पूरे देश के अंदर एक संदेश जाएगा। और उसके अलावा तेजाजी महाराज सूरपुरा के अंदर जो मंदिर का सुरसुरा के अंदर तेजाजी महाराज के मंदिर के संरक्षण की बात हो, या हमारे आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर जो सर्किट बनाने की बात हो, तो हर वर्ग का ध्यान, हर सेक्टर का ध्यान कांग्रेस की सरकार ने रखा है। तेजाजी बोर्ड का गठन किया हर, तो उसके माध्यम से किसानों की समस्याएँ आएंगी, जो किसानों की समस्याएँ उनका समाधान होगा। आज ही हम सब ने बोर्ड कॉरपोरेशन आयोग के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं उनकी हमने एक बैठक भी की, तो उस बैठक के अंदर भी कुछ सुझाव आए, धीरज गुजर जी ने आपको बताया। उन सुझावों के माध्यम से भी किस प्रकार से ज़्यादा राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। SC ST OBC के लिए जो अलग से विकास कोष गठित किए गए, SC ST के लिए 1000 करोड़ का, OBC के लिए 200 करोड़ का विकास कोष गठित किया राजस्थान की सरकार ने। तो चारों तरफ, हनुमानगढ़ जिले से मैं आता हूँ तो वहाँ जो स्पिनिंग मिल थी उसको बंद कर दिया था तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसको दोबारा शुरू करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। तो मैं कहूँगा हर जिले का, हर वर्ग का, समाज के हर अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति का ध्यान इस कांग्रेस की सरकार ने रखा है। तो अब हम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इस बजट को इस प्रकार से आम जनता के बीच में लेकर जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, जिस मंशा से सरकार ने बजट दिया उस मंशा से ही कांग्रेस का कार्यकर्ता इसका लाभ आम आदमी तक पहुंचाएगा। प्रशासन भी मुस्तैदी से इसमें काम करेगा और हर वर्ग को इस बजट से लाभ मिले, जनता खुशहाल बने, राजस्थान ऊंचाइयां छुएं, यही सब कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के लोगों की और सरकार की मंशा है। तो देखिए, प्रेस वार्ता के दौरान कहा गया कि सरकार का जो बजट रहा उसने हर वर्ग को लाभान्वित किया है। जिस तरह से कल 19 जिले बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की बजट रिप्लाई के दौरान, उसकी भी खासा चर्चा इस प्रेस वार्ता में रही। 19 नए जिले बन गए, 4-3 संभाग नए बन गए और पुष्कर जैसा धार्मिक नगरी जो राजस्थान में एकमात्र है, जहाँ के तीर्थ पुरोहित, जहाँ के सारे नगरवासी मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, हमको धन्यवाद देने आ जाए हैं, इतने उत्साहित हैं ये कि पुष्कर जैसे छोटे से टाउन को पुष्कर विकास प्राधिकरण की बहुत बड़ी सौगात दी है। वैसे तो अजमेर जिले में केकड़ी को जिला बना दिया, बहुत बड़ी सौगात है, ब्यावर को जिला बना दिया, बहुत बड़ी सौगात है, और पुष्कर को अजमेर विकास प्राधिकरण की सौगात देकर हम तमाम अजमेरवासी माननीय मुख्यमंत्री जी का न केवल आभार जताते हैं, बाकी उनका अभिनंदन करते हैं, उनको हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।